वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 5 इंडिगो के हिंदी ट्रांसलेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट 1 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में जो कि हमारे महात्मा गांधी से रिलेटेड है और आपकी इस बुक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से अधिकतर बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं प्रबल होती है। वो चाहे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप हो, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है और इसमें से एमसीक्यूज या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे निकलते हैं, क्योंकि इसमें ईयर्स हैं, काफ़ी इंसिडेंट्स हैं, काफ़ी घटनाएँ हैं और हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो आपको इससे हिस्ट्री की भी नॉलेज होती है और आपको जीके इंक्रीज करने में और अदर सब्जेक्ट्स में आपके कॉम्पिटिशन्स में ये चैप्टर आपके लिए लाइफ टाइम कामयाब रहेगा, यूजफुल रहेगा। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंडिगो नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इंडिगो का मतलब होता है नील, जो हम वाइट कपड़ों के लिए यूज़ लेते हैं, नील वही नील इंडिगो है। और इंडिगो यानी नील को लेकर ही आंदोलन हुआ था चंपारण का, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसके जो लेखक हैं लुई पिशर, इनका जीवन काल दिया हुआ है 1896 to 1970। ये एक ब्रिटिश आर्मी थी। ही सर्वड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 and 1920। यानी ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने वॉलंटियर के रूप में सेवा दी थी 1918 से लेकर 1920 तक, और ये फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर की पहली लाइन से। When I first visited Gandhi in 1942 in his आश्रम in सेवाग्राम in सेंट्रल इंडिया। अब आई कौन है यहाँ पर, वही जो लेखक है लुई पिशर। लुई पिशर कहते हैं कि मैं गांधी जी के पास पहली बार गया था, यानी जो इसका ऑथर है, जो नरेटर है, वो गांधी जी के पास पहली बार गया था 1942 में। अब 1942 में गया था कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गांधी जी थे उनका आश्रम, जहां उन्होंने आश्रम बनाया हुआ था, जहां वो रहते थे, आश्रम था वो कहां था और कहां गया था, तो वो था सेवाग्राम में। ये विशेष ध्यान दें, यहीं से आपका मामला शुरू हो गया कि गांधी जी का जो आश्रम था वो सेवाग्राम में था, इन सेंट्रल इंडिया, इन सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर लिख दिया इन सेंट्रल इंडिया, यानी मध्य भारत में। अब जो ऑथर है, नरेटर, 1942 में गया गांधी जी के पास आश्रम में, कहाँ था आश्रम, सेवाग्राम में था, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में। ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू As the departure of the British, it was in 1917. अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात उन्होंने मुझे बताई, I will tell you, मैं तुम्हें बताऊँगा how it happened, कि कैसे हुआ, डेट की, I decided to urge the departure of the British, मैंने ब्रिटिश यानी अंग्रेजी शासन के डिपार्चर यानी यहाँ से विदाई के बारे में अर्ज किया। अर्ज यानी वैसे तो आग्रह करना होता है, लेकिन यहाँ पर संकल्प कर लेना, मन बना लेना। अब गांधी जी ने कब ब्रिटिश डिपार्चर करने का, ब्रिटिश शासन को यहाँ से डिपार्ट करने का निर्णय किया, आग्रह किया, तो ये सब हुआ था 1917 में। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, आई डिसाइडेड टू अर्ज, या इन 1970 गांधी जी डिसाइडेड, यहाँ पर लिख देते हैं डिसाइडेड टू अर्ज द ब्रिटिश डिपार्चर, यहाँ पर हम लिख देते हैं द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, और द डिपार्चर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऑफ द ब्रिटिश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ से ही गांधी जी एक तरीके से ब्रिटिश जो सरकार थी उसके खिलाफ हो गए थे, उसको यहाँ से भगाने का उन्होंने मन बना लिया था। तो इन 1917 यानी कि 1917 में गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था टू यानी आग्रह करना, मन बना लेना, द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, डिपार्चर यानी विदाई। ही हेड गोन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये तो ऊपर की बात हो गई, 1917 में उन्होंने मन बनाया था, लेकिन उन्हें कहाँ से ये प्रेरणा मिली, कहाँ से वो मोटिवेट हुए कि उन्होंने ब्रिटिश डिपार्चर का निर्णय किया। तो आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर 1916, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिसंबर 1916 में भारतीय कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, एनुअल यानी वार्षिक कन्वेंशन यानी अधिवेशन हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देना, दिसंबर 1916 में जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इसका एनुअल कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन का मतलब होता है अधिवेशन, एनुअल कन्वेंशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये, लखनऊ में इसका एनुअल कन्वेंशन हुआ था। विशेष ध्यान देना, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, कब हुआ था, किसका हुआ था और कहाँ हुआ था, इन लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का ये हुआ था, वहाँ गए थे दिसंबर 1916 में। देर वर 2301 डेलीगेट्स, डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि, डेलीगेट्स प्रतिनिधि, वहाँ पर कितने प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, तो 2301, यहाँ पर ध्यान देना, 2301 डेलीगेट्स ने वहाँ पर प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, एंड मैनी विजिटर्स और कई आगंतुक भी आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान गांधी जी रिकाउंटेड ने सुनाया, बताया, गांधी जी ने बताया, अ प्रेजेंट कैम अप टू मी, प्रेजेंट यानी किसान, फार्मर, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में अन्य किसानों के जैसा ही नजर आ रहा था, पुअर एंड इमिसिएटेड, इमिसिएट यानी वीक, बहुत गरीब, कमजोर, पतला, दुबला, पुअर गरीब, और इमिसिएटेड यानी वीक, वेरी वीक, बहुत कमजोर, एंड सेड, और उस किसान ने मुझसे कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। तो जो किसान गांधी जी के पास आया उसने उसका नाम गांधी जी को बताया, राजकुमार शुक्ला, यानी जो गांधी जी के पास में इस अधिवेशन में आया, गांधी जी के पास में बिल्कुल गरीब, अब वो कैसा नजर आ रहा था, पुअर एंड इमेसिएटेड। अब ये किसान था, ये एक तो बहुत गरीब नजर आ रहा था और एक बहुत इमेसिएटेड, लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो आप, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, और वीक, बहुत कमज़ोर था, वेरी वीक भी लिख सकते हो आप। ये यहाँ पर आया एंड सेड और कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, और ये कहाँ से आया था, फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ, यानी जो किसान आया था उसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला था, और कहाँ से आया था, चंपारण से आया था, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और ये इनसे ये कहने आया था गांधी जी से ये कहने आया था कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए, मेरे ज़िले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी इस स्थान के बारे में नहीं सुना था, इट वॉज इन द फुट हिल्स, फुट हिल्स यानी पहाड़ियों की तलहटी, निचला भाग, ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, यानी टावरिंग यानी जो ऊंचे पर्वत हैं उनकी तलहटी में चंपारण बसा हुआ है,
नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और कहां? नेपाल के पास में, किंगडम साम्राज्य, नेपाल के साम्राज्य के पास में जो बड़ी बड़ी हिमालय की ऊंची पहाड़ियां हैं उनकी फुट हिल्स, फुट यानी पेड़, तलहटी में बसा हुआ है। अंडर एन एंसेंट अरेंजमेंट, एंसेंट यानी ओल्ड, प्राचीन, अरेंजमेंट यानी बंदोबस्त, व्यवस्था के अनुसार द चंपारण प्रेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के, जो चंपारण है, अब यहां पर ध्यान देना, चंपारण के जो पेजेंट्स थे, जो पेजेंट्स थे वो क्या थे? शेयर क्रॉपर, ध्यान देना यहां पर, शेयर क्रॉपर्स थे। अब ये क्या बात हो गई, जो पेजेंट्स थे किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स कैसे थे? जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। अब शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार, बटाईदार, ध्यान देना। वैसे तो बटाई का मतलब ये होता है जिसको हम कहते हैं, अगर यूँ देखा जाए तो बटाई करना यानी कोई भी आपने ज़मीन मान लो किराए से एक साल के लिए आपने ले ली, किसी की भी ज़मीन है, दो व्यक्तियों ने मिलकर, या किसी की ज़मीन है उसने एक और पार्टनर बना लिया, तो उसको बोलते हैं शेयर क्रॉपर। शेयर का मतलब समझ गए, हिस्सा, क्रॉप यानी फसल, हिस्से में फसल करना, इसको अगर तोड़ के समझे तो वैसे नियम क्या होता है, 50-50। शेयर का मतलब क्या होता है, आधा मेहनत तू भी कर, आधा खर्चा तू भी लगा, और दोनों के 50-50 हो जाएंगे, नियम तो यही होता है। तो चंपारण के किसानों को ये नियम बिल्कुल लागू नहीं था, वहाँ वही तो लड़ाई थी वहाँ पर। ध्यान से समझना, इंडिगो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, अब आप यहाँ पर ध्यान देना। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, वो भी इन शेयर क्रॉपर्स में से एक था, राजकुमार शुक्ला, यानी कई सारे थे उनमें ये एक था। अब बात क्या हुई, ही वॉज इलिटरेट बट रेजल्यूट। अब यहाँ पर ध्यान देना, राजकुमार शुक्ला की हम सारी, अगर इसका आपकी कैरेक्टर स्केच आ जाए तो वो भी काम में ले सकते हैं इन शब्दों को उसमें, यानी वो क्या था, अब यहाँ पर ध्यान देना, इलिटरेट था। एक और चीज़ बन गई इसकी, एक और इसके अंदर की विशेषता बन गई, इलिटरेट था यानी अशिक्षित था, एक बात तो ये हो गई। लेकिन वो क्या था, इलिटरेट था, अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन रेजोल्यूट था, रेजोल्यूट यानी कृत संकल्प करने वाला। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। अब यहां पर क्यों आया था, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजकुमार शुक्ला वहां पर जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें क्यों आया था, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के सेशन में आया था टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय की, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम। लैंडलॉर्ड सिस्टम का मतलब समझ गए होंगे आप, जमींदारी, और सिस्टम यानी प्रथा जो बिहार में थी। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उसे बताया होगा कि ये सारी बात गांधी जी को बताओ। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने बताया कि उनका अपॉइंटमेंट यानी उन्हें मुलाकात करनी है, जाना है कानपुर में और अन्य भागों में भी जाना है भारत के में। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, अकम्पनीड यानी टू गो विद, साथ साथ चला गया जहाँ भी हो गए गांधी जी को, कि मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं, आप जहाँ जाओगे वहीं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ चंपारण चलना पड़ेगा, ये मामला आपको शॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी जो उनका अहमदाबाद में आश्रम था वहाँ लौट कर आ गए। तो यहाँ पर अब क्लियर हो गया, सेवाग्राम आश्रम कहाँ था, अहमदाबाद में, क्लियर। अब अहमदाबाद में आ गए वो, अब शुक्ला ने क्या किया, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी उनको फॉलो करता हुआ आश्रम में आ गया। गांधी जी ने सोचा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, साथ ही तो पीछे पड़ गया, साथ चलने के लिए बोल रहा है, कंटिन्यू साथ ही चल रहा है जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। 4 weeks ही ने वो लेफ्ट गांधी जी साइड, कई वीक्स निकल गए, सप्ताह निकल गए, लेकिन उसने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, गांधी जी की साइड को नहीं छोड़ा। और ही बैग्ड, बैग्ड यानी प्रे करना, प्रार्थना करना, फिक्स डेट, एक तारीख फिक्स करो आप, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपको चंपारण ले जाकर ही रहूँगा।
इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी गांधी सेड, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हुए बाय द शेयरक्रॉपर्स, बटाईदार की उसकी लगन से प्रभावित हुए और जो कहानी उसने बताई, गांधी जी ने कहा आई हैव टू बीन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, मैं फला फला तारीख को कलकत्ता में रहूंगा और आप वहां आना और मुझे वहां से ले चलना। मंथ्स पास्ट, महीने गुजर गए, शुक्ला वो सिटिंग ऑन इज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। जो शुक्ला था वो उकड़ू होकर घुटनों के बल, हॉन्चेज घुटनों के बल बैठा हुआ था उस जगह पर जहां उसको बताया गया था कलकत्ता में गांधी जी अराइव आए। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक गांधी जी फ्री हुए उसने इंतजार किया। देन दे टू ऑफ देम बोर्डेड, बोर्डेड ने सवारों ना अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और पटना के लिए, बिहार में जो पटना है वहां के लिए ट्रेन में सवार हो गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लेड नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब पटना में, ध्यान देना, वहां से कलकत्ता से, कलकत्ता से वो रवाना हो गए, वहां से ये आ गए पटना। यहां पर पटना में जो राजकुमार शुक्ला और गांधी जी दोनों आ गए पटना में। अब ये कहां पर आए पटना में, ये आए साहब यहां पर आपके जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनके पास आ गए। राजेंद्र प्रसाद जी जो बाद में राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद इनके पास में आ गए। अब यहाँ पर आ गए, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे देश के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, अब ये उस समय आउट ऑफ टाउन थे, यानी ये इनको इनके घर पे ले आया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उस समय आउट ऑफ टाउन थे यानी शहर में नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, लेकिन उसके जो उनके जो सर्वेंट्स थे, राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे, वो जानते थे कि ये शुक्ला एक गरीब यौमन यानी कि वही फार्मर किसान है, पेजेंट है, जो पेस्टर्ड, पेस्टर्ड यानी परेशान करता है उनके मालिक को कि वो नील के बटाईदारों की मदद करे, बार बार आ जाता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी, तो यहाँ पर पटना में राजेंद्र कुमार शुक्ला और राजकुमार शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर पर आए। यहाँ पर जो सर्वेंट्स थे, इन सर्वेंट्स ने इनके साथ में इल बिहेवियर किया, बुरा बर्ताव किया, और इन्होंने राजकुमार शुक्ला और गांधी जी इन दोनों को क्या किया कि यहीं बैठ जाओ आप, धरती पर ही, ज़मीन पर बैठ जाओ। होम दे टुक टू बी अनादर पेजेंट, और इन गांधी जी को भी इन्होंने क्या किया, क्या समझा, अनदर पेजेंट समझा कि ये भी कोई दूसरे किसान ही नज़र आ रहे हैं, ये भी इनके साथ ही आए हुए हैं तो ये भी दूसरे किसान है। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पल्यूट द एंटायर सोर्स, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जब गांधी जी ने पानी पीना चाहा, राजेंद्र प्रसाद के घर की बात बता रहा हूँ, जब गांधी जी ने ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि गांधी जी के साथ में किस प्रकार बुरा व्यवहार हुआ, मिसबिहेव किया गया, इल बिहेवियर किया गया एट द राजेंद्र प्रसाद होम, राजेंद्र प्रसाद के घर पर बाय हिज सर्वेंट्स, उनके नौकरों द्वारा सारी चीज़ें आएगी। तो गांधी जी ने जब पानी पीना चाहा तो पानी के लिए नॉट परमिटेड मना कर दिया गया, उन्हें परमिशन नहीं दी। लेस्ट सम ड्रॉप्स की कुछ पानी की बूंदें अगर उसकी बकेट बाल्टी से गिर गई उस पानी के सोर्स में, कुएं में, तो हो सकता है पूरा पानी ही पल्यूट हो जाए, दूषित हो जाएगा। इतनी बड़ी उस समय भारत में
आप देख लीजिए कितनी बड़ी अनटचेबिलिटी छुआछूत थी कि पानी पीने के लिए भी मना किया जा रहा है। हाउ डिड दे नो डेट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उन्हें कैसे ये पता लगे कि वो एक अनटचेबल अछूत नहीं थे। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, अब ये वाक्या तो यहीं पर ये जो इंसिडेंट था यहीं समाप्त हो गया, इसको आप ध्यान रखना। अब गांधी जी ने यहाँ से पटना के बाद में कहाँ जाने का निर्णय किया, अब ध्यान देना आप। यहाँ से तो वो गए रवाना, वो मिले ही नहीं राजेंद्र प्रसाद जी, तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ठहरने से कोई फायदा नहीं है, तो वो फिर मुजफ्फरपुर गए। विच वॉज इन रूट टू चंपारण, मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहा, क्योंकि ऑन रूट था यानी रास्ते में पड़ता था, ऑन रूट टू चंपारण, चंपारण के रास्ते में पड़ता था मुजफ्फरपुर। यानी ये ध्यान देना कि गांधी जी ने चंपारण से पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय क्यों किया, तो एक तो पहला कारण तो ये हो गया कि एक तो ये ऑन रूट था और इसके अलावा टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और ज्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेशन उन्हें ऑब्टेन करनी थी, प्राप्त करनी थी अबाउट कंडीशंस, उन परिस्थितियों के बारे में जो देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, इम्पार्टिंग यानी शेयर करना, जो शुक्ला उन्हें बताने में असमर्थ था। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा किसको, जे बी कृपलानी को जो मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, हुम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिन्हें वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे, उनके लिए गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा। तो यहाँ पर ध्यान देना, मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे पहले चंपारण से पहले, और मुलाकात करने के लिए टेलीग्राम किसे भेजा था, जे बी कृपलानी को, जिनको वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में पहले मिल चुके थे। जे बी कृपलानी कौन थे, प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज में मुजफ्फरपुर में। ध्यान देना, चंपारण नहीं गए पहले, मुजफ्फरपुर गए, क्यों गए, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा सूचना प्राप्त करनी थी, जो कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बताने में असमर्थ रहा था। अब इतना सा टुकड़ा मैंने आज आपको बताया है, लेकिन कई छोटे छोटे इसमें पॉइंट्स आए हैं, इसकी क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो को आप एक दो बार तीन बार अच्छे से समझें, ताकि स्टोरी आपको कंटिन्यू अच्छे से समझ में आएगी। अगले पार्ट में इसी चैप्टर के अगले आपके जो चैप्टर के पेजेज हैं उनको हम फिर स्टडी करेंगे, आगे और बढ़ेंगे, इस स्टोरी को और आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।